वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोग ज्वाइंट हो गए क्या? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आज आप लोगों का पेपर हो गया एसपी वालों का, है ना? कैसा था पेपर एसपी वाले स्टूडेंट्स का? पेपर कैसा गया? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग। How was the paper today? जोरदार पेपर था। फुल में से फुल नंबर चाहिए सबके मेरे को, है ना? जोरदार का मतलब है फुल में से फुल आने चाहिए सबके। इस तरह का एग्जाम होता है जनरली, बोर्ड में भी इस तरह का ही पेपर आता है ना? जो लेवल मैंने रखा था पेपर का, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम जैसा ही रखा था, ज्यादा हाई लेवल नहीं रखा था। इस टाइप का पेपर आ जाता है बोर्ड में, ठीक है? इतना इजी भी आ सकता है, इससे थोड़ा टफ भी आ सकता है। आप दो तीन पेपर लिख के देखोगे तो आपका आइडिया आ जाएगा, ठीक है? बेटा जो इतना इजी बोल रहे हैं, देखता अभी मैंने चेक तो किया नहीं है। खैर, जब मैं चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा अगर आपने इतना इजी बोला है तो उसका सही में रियल मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता। इतना इजी का मतलब है फुल में से फुल आने चाहिए, है ना? जनरली बच्चे इजी पेपर में ज़्यादा गलती करते हैं। इजी पेपर में ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन ओवरऑल पेपर अच्छा था, आप लोग अगर चाहो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो इस तरह के पेपर, ठीक है? चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पीपी सवानी वाले बच्चे भी ये पेपर सॉल्व करेंगे एज अ सैंपल पेपर। मैंने आपको मॉर्निंग में भी बताया था, पीपी सवानी वाले बच्चे भी ये वाला पेपर एज अ सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। कोर्स उनका भी सेम ही रखा है, फर्स्ट 5 चैप्टर्स। तो आपको भी सेम सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है? यस, पीपी सवानी वाले बच्चे भी सॉल्व करेंगे ये वाला पेपर, है ना? चलो क्लास स्टार्ट करते अपन। कमेंट्री सेशन इनका पहले ही चालू हो जाता है। अच्छा, आप कोई एग्जाम बाकी है क्या आप लोगों का? एसवी वालों का एग्जाम ओवर हो गया या अभी कोई एग्जाम रिमेनिंग है? अभी आप लोगों का कोई एग्जाम बाकी है? कौन सा एग्जाम बाकी है? इंग्लिश का बाकी है, उसमें क्या पढ़ोगे आप? बस इंग्लिश लास्ट है ना आपका? इंग्लिश का लास्ट पेपर है ना?
चलो ठीक है, आज मतलब रिलैक्स मोड पे हो सब लोग, है ना। इंग्लिश तो आप लोग मैनेज कर ही लोगे, इंग्लिश में क्या ही ज़्यादा पढ़ना होता है, यू कैन मैनेज इंग्लिश एट ऑल। ठीक है, कल से तो फिर अपने वही रेगुलर मोड पे आ जाएंगे। अच्छा आज क्लास कितने बजे तक ले अपन, 5:30 तक खींच ले या फिर 5 बजे तक छोड़ दे, आपको बताओ। कल आपका पेपर है तो इसलिए 5 बजे तक ठीक रहेगा। ठीक है, आज भी 5 बजे तक लेते हैं, कल लास्ट एग्ज़ाम है, तो कल से फिर वही टाइम कर देंगे अपना 5:30 वाला। साइंस वाले कुछ भी कर सकते हैं, ये बात तो सही है, साइंस वालों में इतना दम होता है कुछ भी कर जाते हैं, चांद को तोड़ के धरती पे ले आते हैं, इतना तहलका होता है साइंस स्टूडेंट्स में। अगर आप बोलो इनको तो ये तारे भी गिन के बता देंगे कि इतने तारे मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो साइंस वालों का इतना तहलका रहता है। ठीक है, अगर बोलोगे कि चांद और तारे में कोई डिफरेंस निकालना है तो उनको एक भी करके दिखा देंगे लोग, सही में। बाकी देखो साइंस वालों का एग्जांपल्स एक से बढ़कर एक है, साइंस वाली जो फील्ड होती है ना, बहुत ही, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो साइंस फील्ड है बहुत डायनेमिक होती है। ठीक है, साइंस का बच्चा किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है, ऐसा नहीं है कि साइंस का बच्चा साइंस में एक्सेल करता है, साइंस की फील्ड इतनी डायनेमिक है कि वो बच्चा कोई भी फील्ड में एक्सेल कर जाता है। कॉमर्स में जाता है तो कॉमर्स वालों को पीछे नहीं छोड़ता, छोड़ देता है। कंप्यूटर में जाता है तो कंप्यूटर वालों को पीछे छोड़ देता है। इवन साइंस इतनी डायनेमिक हो गई है कि जितने आप आईएएस देख रहे हो, इंडिया में आईएएस आईएएस देख रहे हो, मैक्सिमम नंबर वो साइंस के ही होते हैं, जो साइंस पढ़ के आते वही आईएएस और आईएएस बन जाते हैं। ठीक है, तो साइंस वालों ने कोई फील्ड नहीं छोड़ रखी है, हर फील्ड में हमने डाका डाल रखा है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ इतनी डायनेमिक फील्ड है, हर फील्ड में डाका डाला हुआ है। ठीक है, इसको पॉजिटिव सेंस में लें आप लोग, मतलब साइंस वाले बच्चे कुछ भी कर सकते, इतनी बात तो होती। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा तारीफ हो जाएगी तो आपको पचेगी नहीं फिर, है ना। अच्छा, मॉर्निंग क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बहुत कैपेसिटर कैपेसिटर हमने खेल लिया था। आपका एक टॉपिक था वेंडीग्राफ जनरेटर, जो सब बच्चों का रहता था, एसवी वालों का भी रहता था और पीपी सवानी वालों का भी रहता था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते रिवीजन सेशन में ही। वेंडीग्राफ जनरेटर आपका रह गया था टॉपिक, इसको हम कंप्लीट कर देते आज। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये, बहुत ईजी है, अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अच्छा, ये टॉपिक डायलेमा वाला टॉपिक है, अभी तक गुजरात बोर्ड वालों ने बताया नहीं है कि ये टॉपिक उन्होंने रिमूव किया है कि नहीं किया है, डायलेमा में है ये टॉपिक, ये रिमूव वाली लिस्ट में भी उन्होंने नहीं डाला है और इसको इंक्लूड भी नहीं किया है, निकाला भी नहीं है, इंक्लूड भी नहीं किया है, तो ये डायलेमा वाला टॉपिक है, तो इसको कवर कर ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या भरोसा कल को वो बोले कि हमने इस टॉपिक को इंक्लूड कर लिया है, और ना भी इंक्लूड करे तो जेई में और नीट में तो आपको आने ही वाला है। ठीक है, जेई और नीट में कोई भी कटौती नहीं होगी सिलेबस की, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, तो इसलिए फिर सोचा चलो वेंडीग्राफ जनरेटर कवर कर ही लो अच्छे से, इसमें कोई हर्ज वाली बात तो है नहीं। ठीक है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी बेटा, बात मैंने सुन ली ना आपकी बात, आपने यही बोला था ना केशवी सुबह कि सर ये डायलेमा का टॉपिक है, इसको कराओ कि नहीं कराओ। चलो वैसे पढ़ लो तो अच्छी बात है, क्योंकि जेई नीट में ये टॉपिक है, वहाँ से कोई भी सिलेबस में कटौती नहीं है। ठीक है, तो पढ़ोगे तो आपके बेनिफिट के लिए ही है ये, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, आपका ही बेनिफिट। चलो, वेंडीग्राफ जनरेटर को समझने से पहले आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पहला प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ योर कोरोना डिस्चार्ज। अभी कोरोना वायरस नहीं है, इसको वायरस मत समझ लेना, ये कोरोना डिस्चार्ज है, कोरोना वायरस नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे कोरोना में सर हमें कोरोना वायरस पढ़ा रहे हो, तो कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना डिस्चार्ज है।
वो बात अलग है, आपका टाइम ऐसा आ गया है कि पेंडेमिक वाला टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का, और हम पढ़ रहे हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है? तो इट इज़ नॉट कोरोना वायरस, हाँ, इस कोरोना डिस्चार्ज, ध्यान रख के चलिए इसको। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो सपोज करो आपके पास कोई बॉडी है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है इस तरह का। हम सबको पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका रेडियस ज़्यादा होता है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, जिसका रेडियस कम होता है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है? इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो आपका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर रेडियस, ठीक है? जितना ज़्यादा आपका रेडियस होगा उतनी कम आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और जितना कम आपका रेडियस होगा उतनी ज़्यादा आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ठीक है? ये हम सबको पता है, हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना? कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ हम सबने बड़ी अच्छे से पढ़ी है, तो हम सबको ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। सपोज करो मैंने रेडियस को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, मैं रेडियस को कम करते जा रहा हूँ, रेडियस को कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, इतना कम कर दिया कि मैंने उस कंडक्टर को ऐसे पॉइंटेड बना दिया। इस तरह का पॉइंटेड कंडक्टर आपने देखा होगा, ठीक है? पॉइंटेड कंडक्टर का रेडियस अगर आप देखो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना छोटा होता है। देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो कितना छोटा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इत्तू सा रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका, इत्तू सा, ठीक है? जब इत्तू सा रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका हो जाता है, इतना छोटा, देखो ये रेडियस कितना छोटा है। तो होता क्या है, इस पे आपकी सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपका चार्ज जो है इस तरह से एक्युमुलेट होने लगता है यहाँ पे ज़बरदस्त। अगर आपने इसको चार्ज सप्लाई किया तो वो चार्ज इस पॉइंटेड रीजन पे बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाता है, पॉइंटेड रीजन पे इतना ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है चार्जेस का, इतना ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है कि आपके चार्जेस जो हैं वो लीक करने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये इसकी सराउंडिंग वाली जो एयर है, इसके सराउंडिंग की जो एयर है इसको इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, है ना? सराउंडिंग की जो एयर है इसको क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं। और एक बार आपकी सराउंडिंग की एयर इलेक्ट्रीफाई हो जाती है तो आपका चार्ज जो है वो यहाँ से लीक करने लगता है ना? चार्ज जो है पॉइंटेड एज से लीक करने लगता है, इसी लीकेज को हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, इसी लीकेज को हम क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। अब थोड़ा गहराई से अगर आप इसको देखो तो इसमें हुआ क्या, अगर मैं थोड़ा और डीपली आपको बताऊं कि इस फिनोमेना में हुआ क्या, थोड़ा डीपली अगर हम इसको और समझे, सब सब्जेक्ट्स में एक बार कोरोना तो आया ही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के टाइम पे कोरोना को पढ़ रहे हो, इससे खुशी की बात आपके लिए क्या हो सकती है, ठीक है? कोरोना के मौके पे आपको कोरोना पढ़ने को मिल रहा है, और क्या चाहिए आप? तो सपोज करो इस कंडीशन को अगर मैं बहुत गहराई से ऑब्जर्व करूं, ऐसा मेरा कंडक्टर है और इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो असल में क्या हुआ, असल में हुआ क्या, ये पॉजिटिव चार्ज जो हमारा लीक हुआ, ये लीक होने का क्या बेसिक प्रिंसिपल है क्या? बहुत सारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लीक होने का बेसिक फंडा ये है कि इसके सराउंडिंग की जो एयर है वो इलेक्ट्रीफाई होने की वजह से उसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसके क्लोज आने लग जाते हैं, वो इसके क्लोज आने लग जाते हैं, तो वो इसको ख़त्म कर देते हैं, इसके पॉजिटिव को ख़त्म कर देते हैं। नेगेटिव चार्जेस जो एयर है, मीडियम है, उसके नेगेटिव चार्जेस इसके क्लोज आने लगते हैं और वो इसको ख़त्म कर देते हैं।
जैसे वो इसको ख़त्म करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं लीकेज, है ना। लीकेज का मतलब मीडियम के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस पॉइंटेड एज पे जो चार्जेस हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं लीकेज, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज, उसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज का प्रिंसिपल इतना ही है कि जब आप कंडक्टर को इतना ज़्यादा पॉइंटेड बना देते हो तो पॉइंटेड एजेस से आपके चार्जेस क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं जल्दी से। तभी आपने देखा होगा आपके जो मोबाइल के चार्जर्स हैं, आप सबने नोटिस किया आपके मोबाइल के जो चार्जर होते हैं वो बहुत पॉइंटेड होते हैं, मोबाइल के चार्जर जो होते हैं काफ़ी पॉइंटेड उसकी टिप होती है आगे की। जैसे ही आप इसको प्लग करते हो तुरंत आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो मोबाइल की ये जो टिप होती है पॉइंटेड वाली, यहाँ पे भी बिल्कुल यही प्रिंसिपल यूज़ होता है कोरोना डिस्चार्ज का, ठीक है। मोबाइल की जो कंडक्टर की पिन होती है आपकी, यहाँ पे भी आपके चार्जेस बहुत क्विकली इसमें ट्रांसफ़र होने लगते हैं और आपका मोबाइल चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही है, जब जहाँ पे आपके पॉइंटेड एज आ जाते हैं वहाँ पे आपके चार्ज का ट्रांसफ़र करना काफ़ी ईजी हो जाता है, इसलिए उसको जानबूझ के इसे पॉइंटेड बनाया जाता है ना, जानबूझ के इसको पॉइंटेड डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई कि इतना कोरोना डिस्चार्ज आपको पढ़ा रहा हूँ। अरे सबको समझ तो आ रहा है ना, या खाली मज़े ही लिए जा रहे हो। पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया सबको, कोरोना डिस्चार्ज का फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब सॉरी वेंडीग्राफ जनरेटर का पहला प्रिंसिपल सबको समझ आ गया। ओके, अब दूसरा प्रिंसिपल इसका ये है कि सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक होलो कंडक्टर है मेरे पास। होलो कंडक्टर पे जो भी मैं चार्ज देता हूँ वो सारा का सारा उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। कंडक्टर पे जो भी मैं चार्ज देता हूँ वो सारा का सारा उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज करो मेरे पास दो कंडक्टर है और ये बहुत हाई पोटेंशियल पे है, सपोज करो इसका जो पोटेंशियल है वो हाई है और दूसरे कंडक्टर का पोटेंशियल थोड़ा लो है ना। इसका पोटेंशियल सपोज करो वी टू है, ये वाला आपका लो पोटेंशियल पे, ठीक है। सपोज करो दो कंडक्टर्स हैं मेरे पास और V1 जो है वो V2 से बड़ा है, V1 का पोटेंशियल V2 से ज़्यादा है, ठीक है। मैंने इन दोनों को एक वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो वायर से कनेक्ट करूँगा तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब सपोज करो मेरे को चार्ज को रिवर्स फ्लो करवाना है, मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो कराना है, तब मैं क्या करूँगा बताओ। अगर मेरे को चार्ज को ये वाले पोटेंशियल से ये वाले पोटेंशियल पे फ्लो कराना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे अगर आपको किसी भी चार्ज को फ्लो करवाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यस, क्या किसी के पास कोई आइडिया है कि अगर मुझे चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे ले जाना है तो व्हाट शुड आई डू। धक्का लगा के ले जा सकता हूँ, हाँ एक तरीका तो ये है, पर वो उसमें आपका वर्क डन आ जाएगा। एक छोटे से चार्ज को उठा के ले जाऊंगा तो कुछ मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। एक तरीका तो वो हो गया, धक्का लगा लगा के वर्क करके इसको मैं ले जाऊं। और क्या मैं कर सकता हूँ इसको, अगर मुझे सपोज करो बिना वर्क डन किए इस चार्ज इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पे ले जाना है, तब मैं क्या करूँगा। सपोज करो इसका पोटेंशियल है 1000 वोल्ट, है ना, इसका पोटेंशियल कितना है 1000 वोल्ट और इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट,
ठीक है, इसका छोटा सा पोटेंशियल है 2 वोल्ट के बराबर। अब मेरे को 1000 वोल्ट से 2 वोल्ट पे तो चार्ज अपने आप फ्लो करेगा जैसे ही मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूँगा, लेकिन 2 वोल्ट से 1000 वोल्ट अगर मुझे फ्लो कराना है चार्ज को और बिना किसी वर्क डन के फ्लो कराना है, विदाउट एनी वर्क डन, तब मैं क्या करूँगा? बिना वर्क डन के अगर मुझे बिना धक्का लगाए उस चार्ज को ले जाना है तो मैं बैटरी लगा दूंगा क्या? बैटरी भी इतना इफ़ेक्टिव कैसे रहेगा? मैंने क्या किया, देखो सबसे इजी तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको इसके अंदर डाल दो क्योंकि दोनों हॉलो कंडक्टर हैं, बड़े वाले को छोटे वाले के अंदर डाल दो, बड़े वाले कंडक्टर को छोटे वाले कंडक्टर के अंदर डाल दो। इस पे कितना पोटेंशियल था? 1000 वोल्ट, और इस पे कितना था? 2 वोल्ट। लेकिन जैसे ही आपने छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर डाला तो हमें कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी पता है कि इसके जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही इसके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। कंडक्टर के अंदर का जो पोटेंशियल होता है वो कंडक्टर के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो कंडक्टर के सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो उसी प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया, तो सपोज करो इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो अब अंदर कितना पोटेंशियल है इस पॉइंट पे? 1000 वोल्ट तो होगा ही होगा, है ना? वो 1000 वोल्ट इसको फ्री का मिल गया, तो इसका नेट पोटेंशियल हो गया 1002 वोल्ट। कितना हो गया? 1002 वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया। अब ये अमीर बन गया और ये गरीब बन गया। देखो इसके पास 1000 ही वोल्ट है, इसके पास 1002 हो गया। तो अब आपका चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा? यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, देखो कंडक्टर की प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने अमीर को गरीब बना दिया और गरीब को अमीर बना दिया। कितनी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, अमीर को गरीब बनाए और गरीब को अमीर। बेचारे के पास 2 वोल्ट था, अब कितना हो गया? 1002 हो गया। अब ये बोलता है, ला मैं तेरे को देता हूँ, तू मुझे क्या देगा? मैं तुझे देता हूँ बेटा, ये ले, ठीक है? तो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी कितनी गजब है, आप सोच सकते हो। तो यही प्रिंसिपल्स हम यूज़ करेंगे वेंडीग्राफ जनरेटर में, ठीक है? अब सबसे पहले समझते हैं वेंडीग्राफ जनरेटर क्यों पढ़ना चाहिए और वेंडीग्राफ जनरेटर में आपका एप्लीकेशन क्या है। तो वेंडीग्राफ जनरेटर का जो एप्लीकेशन होता है, जनरली ये यूज़ करते हैं अपन जहाँ पे आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने होते हैं, ठीक है? न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने होते हैं वहाँ पे हम वेंडीग्राफ जनरेटर यूज़ करते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका कैसा एप्लीकेशन है वो भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सपोज़ करो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है? अब इस न्यूक्लियस को हमें बम्बार्ड कराना है, ठीक है? न्यूक्लियस को हमें क्या करवाना है? बम्बार्ड कराना। तो हमने एक इस पार्टिकल को बहुत हाई पोटेंशियल दे दिया, सपोज़ करो 10^6 वोल्ट, 1,000,000 वोल्ट जितना इसको हमने पोटेंशियल दे दिया। अब इतने हाई पोटेंशियल पे अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को फेंकूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में इसकी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि और कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? विच इज़ चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये आपकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, है ना? चार्ज इनटू पोटेंशियल, और ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, विच इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देख सकते हो जितना ज़्यादा आपका पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ से मैं वेलोसिटी को लिख सकता हूँ 2Q V/m√, वेयर दिस इज योर पोटेंशियल एंड दिस इज योर वेलोसिटी, दिस इज योर वेलोसिटी। अब जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल इस चार्ज पार्टिकल का रखोगे उतनी ज़्यादा उसके पास वेलोसिटी होगी, और जितनी ज़्यादा वेलोसिटी इसे जाके स्ट्राइक करेगा उतनी ज़्यादा अंदर ये पेनिट्रेट कर पाएगा, मतलब उतना बढ़िया रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में बम्बार्डिंग ही कराई जाती है, तो बम्बार्डिंग उतनी अच्छी हो पाएगी जितना ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा। तो वेंडीग्राफ जनरेटर क्या करता है?
पार्टिकल्स को इतना हाई पोटेंशियल पे पहुंचा देता है, इतना हाई पोटेंशियल पे पहुंचा देता है कि उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से आप देख सकते हो वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल। जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। अब पोटेंशियल कितना ज़्यादा होता है, 1,000,000 वोल्ट मतलब 10^6 वोल्ट, और इतने में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10^3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 10^3 मीटर पर सेकेंड मतलब 1,000 मीटर पर सेकेंड से वो पार्टिकल आपका स्ट्राइक करेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1,000 मीटर पर सेकेंड, आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा वेलोसिटी, इतनी हाई एनर्जी उसके पास होगी, इतनी हाई वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस को तहस नहस कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेंडीग्राफ जनरेटर जो है ये आपके चार्ज पार्टिकल्स को बहुत हाई पोटेंशियल पे रीच करवा देता है। अब कैसे रीच करवाता है तो चलो उसको समझते हैं। अब इतना अगर आपको समझ आ गया तो वेंडीग्राफ जनरेटर समझना आपका बाएं हाथ का खेल है। अब इसका कंस्ट्रक्शन एक बार समझ लो, फिर आपको इसका सब कुछ समझ आ जाए। तो इसमें क्या क्या होता है, पहले मैं कंपोनेंट्स बना देता हूँ वेंडीग्राफ जनरेटर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो वेंडीग्राफ जनरेटर में आपका इस तरह का एक हॉलो स्फीयर होता है ना। ये हॉलो स्फीयर को हम कनेक्ट करते हैं और इसके अंदर आपके दो पुलीज होते हैं ना, छोटे छोटे। यहाँ पे आपके दो पुलीज होते हैं, दिस इज योर पुली वन एंड दिस इज योर पुली टू। ठीक है, अब ये पुली जो होती है ना बेल्ट से कनेक्टेड होते हैं, ये जो पुली आपके होते हैं बेल्ट से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इस तरह की बेल्ट होती है यहाँ पे, इस तरह से बेल्ट से कनेक्टेड होते हैं। ये बेल्ट आपकी नायलॉन की बेल्ट होती है, जनरली हम नायलॉन की बेल्ट यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो होती है ये स्पीयर से कॉम कनेक्टेड होती है। ये कॉम जो होती है ना इसके एजेस बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, इस तरह की एक कॉम्ब होती है, ये बहुत ही पॉइंटेड एजेस होते हैं इसके, इसके बहुत ही पॉइंटेड एजेस होते हैं ना, मेटेलिक की होती है। और एक कॉम्ब आपकी यहाँ पे कनेक्टेड होती है जो बेल्ट के इस साइड होती है। इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ, ये वाले पार्ट को, ये थोड़ा ज़्यादा मैंने छोटा बना दिया। ठीक है, स्फीयर को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, है ना। एक तो आपकी यहाँ से कनेक्टेड होती है, और दूसरी आपकी यहाँ से कनेक्टेड होती है। ये आपका मेटेलिक स्फीयर है, यहाँ पे थोड़ी शीट इंसुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा दिया जाता है, थोड़ा इंसुलेशन आपका यहाँ भी दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका कंस्ट्रक्शन होता है, इसको पूरा शील्ड करके रखा जाता है ना, ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर में कहीं आ ना सके। इसको ऐसे शील्डिंग करके पूरा शील्ड कर दिया जाता है ऊपर से, इस तरह से इसको शील्ड करके रखा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसकी शील्डिंग होती है। एक कॉम्ब आपकी यहाँ पे होती है जो आपकी बैटरी से कनेक्टेड होती है, है ना। एक कॉम्ब आपकी यहाँ पे होती है, ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड होती है। ये वाली आपकी बैटरी से कनेक्टेड होती है, हाई टेंशन बैटरी या जो भी आप बोलो। ये बैटरी आपका पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से आपका ये सेटअप रहता है। इसके अलावा यहाँ पे आपका सोर्स चार्ज होता है जिसको आपको बम्बार्ड कराना होता है। यहाँ पे आप वो चार्ज पार्टिकल रखते हो जिसको हमें हाई पोटेंशियल देना रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका टारगेट रहता है जिसको आपको टारगेट करना रहता है। ठीक है, ये आपका चार्ज रहता है
और इसको हम इतने हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं कि ये जब बम्बार्ड करता है किसी भी टारगेट को, तो इसके पास गजब की वेलोसिटी होती है, इसके पास गजब की वेलोसिटी होती है, और ये गजब की वेलोसिटी से टारगेट को हिट कर, ठीक है, बस इतना ही होता है। अब देखो इसमें पुली वन है, ये आपका पुली टू है, दो पुलीज होते हैं हमारे पास, दिस इज योर पुली वन एंड दिस इज योर पुली टू, ठीक है। ये बेल्ट ऐसे मूव करती रहती है, इस तरह से बेल्ट रोटेट, पुली रोटेट होता है तो बेल्ट आपके ऐसे मूव करती रहती है। अब होता क्या है, जब आप बैटरी ऑन करते हो, यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज ऐसे सप्लाई करते हो, है ना, तो बैटरी जैसे ही आपने ऑन करी तो होता क्या है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है इस कॉम्ब पे, दिस इज योर कॉम्ब वन, इसको हम कॉम्ब बोलते हैं, दिस इज योर कॉम्ब वन एंड दिस इज योर कॉम्ब टू, ठीक है। तो जब आप बैटरी के ऐसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होता है तो यहाँ पे आपका कोरोना डिस्चार्ज होता है, कोरोना डिस्चार्ज प्रिंसिपल यहाँ पे लगता है क्योंकि ये बहुत ही पॉइंटेड एजेस होते हैं, कॉम के जो एजेस होते हैं बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये जो कॉम होता है ये सराउंडिंग की जो मीडियम है उसको इलेक्ट्रीफाई करने लगता है, तो उसको इलेक्ट्रीफाई करने लगता है तो इस मीडियम के नेगेटिव चार्ज इस पर एकुमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और बेल्ट पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने चालू हो जाते हैं, मीडियम के जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर अट्रैक्ट होने चालू हो जाते हैं और बेल्ट पे आपके पॉजिटिव चार्ज एकुमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं और बेल्ट आपकी कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, ये बेल्ट जो है आपकी कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुँचते हैं तो अगेन ये मीडियम को इलेक्ट्रीफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से मीडियम के नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करने लगते हैं, है ना, और ये पॉइंटेड एजेस पे कॉम के वापस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस कॉम पे क्रिएट होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं कंडक्टर पे, है ना, ये हॉलो कंडक्टर पे आपके पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगते हैं, तो ये जमा होने लगते हैं तो यहाँ पे एकोमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब फिर आपकी बेल्ट ऐसे, बेल्ट तो न्यूट्रलाइज हो गई आपकी, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके न्यूट्रल हो गए, तो बेल्ट वापस घूम के नीचे आ जाती है, तो न्यूट्रल बेल्ट वापस नीचे आ जाती है, फिर से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर जाती है तो फिर इसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं, फिर बेल्ट आपकी न्यूट्रलाइज होकर नीचे आ जाती है, फिर नीचे जाती है तो फिर उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाते हैं ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज, फिर से वो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा करके ऊपर जाती है, फिर वो कॉम्ब उसका चार्ज ले लेती है और यहाँ पे आपका चार्ज एकोमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके जो चार्जेस हैं वो बाहर ये वाले स्फीयर पे एकोमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इतनी बात हमको समझ आई। अब होता क्या है, अब जैसे ही आपके यहाँ पे चार्जेस एकोमुलेट होने स्टार्ट हो रहे हैं तो ये जो आपका स्फीयर है ये इतने ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे पहुँच जाता है, इतने ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे पहुँच जाता है, इसको हम इतना चार्ज देते हैं मैक्सिमम उतना चार्ज देते हैं कि जितना वो ले सकता है, इसलिए हमने ये शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, बाहर से हमने ऐसी शील्डिंग प्रोवाइड की ताकि आपका जो चार्ज है ना वो लीक ना कर जाए बाहर की तरफ, इसलिए हम इस पूरे अरेंजमेंट को ऐसे शील्ड करके रखते हैं ताकि बाहर के एटमॉस्फेयर में आपका चार्ज जो है वो लीक ना कर जाए, ठीक है। तो हर बार यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है जब तक आपका पोटेंशियल अप्रॉक्सीमेटली 10^6 वोल्ट्स ना पहुंच जाए, इतना हाई पोटेंशियल हम पहुंचा देते हैं इस होलोस्फीयर को। अब जैसे ही ये होलोस्फीयर इतने हाई पोटेंशियल पे आता है तो हमें पता है कि अंदर वाले हर पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे पोटेंशियल है, है ना, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड दिस स्फीयर यहाँ पे आपका पोटेंशियल सेम ही रहेगा। तो मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को इधर रख दिया एस पॉइंट पे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने अपने चार्ज पार्टिकल को इधर रखा तो उसके पास पोटेंशियल कितना आ गया, 10^6 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया, इतना हाई पोटेंशियल उस पर आ गया। अब जैसे ही उस पर इतना हाई पोटेंशियल आया तो मतलब उसके पास जो एनर्जी है वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमें पता है आपका जो वेलोसिटी होता है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल, है ना। तो इतनी हाई एनर्जी के साथ जब वो पार्टिकल टारगेट को स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे हम उसकी बम्बार्डिंग करा देते हैं टारगेट पे स्ट्राइक करवा के, ठीक है। तो यहाँ से हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो भी हमारे को पर्पज़ होता है वो परफॉर्म करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है और ये इसका वर्किंग है, ठीक है।
तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें देखो काफ़ी सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, कोरोना डिस्चार्ज से लेके मेटेलिक कंडक्टर का कंसेप्ट, फिर आपका एनर्जी का कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको कहीं पे काम आ जाए। नीट में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जेई में भी आ जाता है कई बार, है ना, कई बार क्वेश्चन इस पे से बन जाता है नीट और जेई में, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस वो लोग फ्रेम कर देते हैं। तो जब आपने अच्छे से इसको समझा होता है तो वहाँ पे आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो कि हाँ इस तरह से एनर्जी का कन्वर्जन होता होगा। कई बार वो पूछ लेते हैं कि आपकी आपको मान लो ये पोटेंशियल दे देंगे कि ना कोरोना डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, सपोज देर इज़ अ जनरेशन ऑफ 10^9 volts, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स पार्टिकल विच विल हिट द टारगेट, है ना। आपको वेलोसिटी ऑफ सोर्स पार्टिकल निकालने को दे सकते हैं जो टारगेट को हिट करेगा, तो आप सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। आपको चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, चार्ज का मास भी पता रहेगा, आपको पोटेंशियल का वैल्यू भी पता रहेगा, आप इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हो कि इतनी वेलोसिटी से मेरा चार्ज पार्टिकल टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जेई मेंस वाला अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस कंसेप्ट पे उठाएगा, अगर नीट वाला क्वेश्चन उठाएगा तो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को ज़्यादा देखता है, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में वो आपसे ये पूछ सकता है, वो कोरोना डिस्चार्ज पे आपको एसर्शन रीजनिंग के स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है, ठीक है, एसर्शन रीजनिंग के स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है कोरोना डिस्चार्ज पे, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट सबको समझ आ गए सारे, इसमें किसी कोई डाउट है तो बताओ। अच्छे समझ आ गए, चलो। तो ये आपका वेंडी ग्राफ जनरेटर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब आपका रिवीजन का जो चैप्टर रहता है, हम प्लान कर रहे थे अब आपका नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे अपन, ठीक है। कैपेसिटर के बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन लेंगे, हालांकि आप लोगों का एग्जाम तो हो चुका है। अरे अभी से थैंक यू कर रहे हो क्या, इतनी जल्दी है जाने की तुमको? अरे 5 बजे छोड़ देंगे, ठीक है ना, अभी तो 5 बजे भी नहीं है, अभी से तुम जाने की बात करते हो, चलो। इसके अलावा कैपेसिटर में आपको क्या पूछ सकता है वो, इसके अलावा वो आपको पूछ सकता है एनर्जी डेंसिटी, है ना। इस पर काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं बार बार कि व्हाट इज़ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंसेप्ट आपको पता रहना चाहिए, है ना। घुमा फिरा के ये क्वेश्चन आपको मैग्नेटिज्म में भी पूछा जाता है, है ना। मैग्नेटिज्म में एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब आप पढ़ रहे हो, कैपेसिटेंस जब आप पढ़ रहे हो, तो आपका एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है हम सबको पता है, विच इज़ हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी स्टोर होती है, उसको आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ होता है। और अगर आपका मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही होता है, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी, ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा इसमें भी आपको ध्यान रखना है पोटेंशियल, देखो आपके पास ना बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स आते हैं कई बार, तो मैं आपको पहले ही बता दूं, वेलोसिटी, वॉल्यूम और पोटेंशियल, तीनों को मर्ज मत कर देना कभी भी, पोटेंशियल, वॉल्यूम और वेलोसिटी। फिजिक्स में ये तीनों पैरामीटर्स दबा के यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 11-12 फिजिक्स आपने पूरा पढ़ रखा है, तो ये तीन पैरामीटर्स हर बार आपने देखे होंगे बड़े कॉमन है, वेलोसिटी, वॉल्यूम एंड पोटेंशियल। तीनों का सिंबॉलिक फॉर्म अलग अलग है, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो तो बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो। अच्छा ये हाफ सी वी स्क्वायर में वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है क्या, वी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। कई बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई वी पोटेंशियल है आपका, पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेंशियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू डी लिख सकता हूँ, अगर मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो
तो बस आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का स्क्वायर। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एनर्जी डेंसिटी हमें क्या बताता है? एनर्जी डेंसिटी हमें ये बताता है कि अगर आपके पास कोई कैपेसिटर है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, यह हमें एनर्जी डेंसिटी से पता लगती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी डेंसिटी होगी। एनर्जी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कई बार ग्राफ भी वो लोग पूछ लेते हैं, ग्राफ बिटवीन एनर्जी डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ग्राफ यहाँ से देख के पता लग जाता है कि इन दोनों में ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है, पैराबोलिक कर्व होगा इनके बीच में, ठीक है। इन दोनों में ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक कर्व होगा। तो इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि इस पर क्वेश्चन दबा दबा के बनते ही चले जाते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको कंसेप्ट पता रहने चाहिए, ठीक है। ग्राफ पूछ लेता है इस पर, कई कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे देता है वो, जैसे कि सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे दिया, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपको बोला गया बेटा फाइंड करो व्हाट इज़ द एनर्जी डेंसिटी, है ना। तो एनर्जी डेंसिटी आप निकाल सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर करके, ठीक है। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन एनर्जी डेंसिटी पे फ्रेम हो जाते हैं। इसके अलावा एनर्जी पे भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, मैंने आपको मॉर्निंग क्लास में ही बताया था एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको पता रहने चाहिए। एक तो हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, दूसरा फॉर्मेट की बात करूँ तो दूसरा फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल जाएगा, क्यू बाई वी को आप लिख सकते हो सी, है ना। तो सी की जगह आप लिख दो क्यू बाई वी, तो आपको एनर्जी मिल जाएगा हाफ इंटू क्यू इंटू वी, ठीक है। एक फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल गया, एक फॉर्मेट आपको यहाँ से मिल गया, है ना। दूसरा फॉर्मेट आप कहाँ से निकाल सकते हो, एक तीसरा फॉर्मेट भी है, सी को लिख दो, हाँ वी को लिख दो आप क्यू बाई सी, है ना, वी को क्या लिख दो क्यू बाई सी, तो आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको पता होने चाहिए। ये सारे फॉर्मेट्स आपके एनर्जी को ही शो कर रहे हैं और यही एनर्जी आपका वर्क डन के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, बच्चे भूल जाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं ये सब, कंजर्वेटिव फील्ड्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी फील्ड्स है, कंजर्वेटिव फील्ड्स। और जब कंजर्वेटिव फील्ड्स होता है तो आपका जो भी वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर हो जाता है। वर्क डन आपका जो भी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सब स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड्स। बात समझ आई? ये कंसेप्ट घुमा फिरा के वही चीज़ वो पूछते बार बार, दे धनादन क्वेश्चंस बनते जाते, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कैपेसिटर हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो मुझे बता दो। मेरे ख्याल से कैपेसिटर आपका पूरा कवर हो चुका है। कैपेसिटर में कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो, नहीं तो फिर हम कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल से अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन मारेंगे। किसी कोई दिक्कत सर? ओके बेटा, बाय बाय। और किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई डाउट? नो डाउट्स। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। Thank you, sir.